वेलकम बैक टू हेल्दी मॉर्निंग. हम बात करें डेविएंट बिहेवियर पे. डेविएंट बिहेवियर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि नॉर्मल भी होती हैं और से कहते हैं कि कभी कभी लोग इसमें इलीगल काम भी कर जाते हैं डेविएंट बिहेवियर के अंदर. आपके ऑफिस में भी ऐसी एग्जांपल्स होंगी कि अच्छा खासा मतलब एक इंसान बिल्कुल ठीक था और अचानक उसने कुछ ऐसा कर दिया जो आप उसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे. हाँ, बाज़ औक़ात इस लिहाज से जिसको हम कहते हैं कि फ्रस्ट्रेशन या एंगर सामने होता है कि बिला वजह कोई शख्स जो है किसी से लड़ जाता है और एक छोटी सी मामूली बात को बहुत बड़ा इशू बना लेता है. मगर जो मैं ज़ाती तौर पे देखता हूँ, उमूमन जब हम देखते हैं डिवियंस के हवाले से, तो मैं पूरे माशरे के अंदर ये चीज़ देखता हूँ और ख़ास तौर पे आजकल मैं देखता हूँ कि जैसे ही आपकी 3:30 बजे दफ्तरों की छुट्टी होती है, उसके बाद जो सूरत हाल होती है, जो एक भगदड़ मचती है और सड़कों पे जो हाल होता है, कंजेशन होता है और हर शख्स अपनी गाड़ी को कहीं से दाएं से बाएं लेके जा रहा होता है, दैट इज़ वेरी वेरी डेंजरस. डिवियंस जो है, मेरा अपना ज़ाती ख्याल यह है कि इट स्टार्ट्स विद द वेरी सिंपल कंसेप्ट ऑफ निगलेक्ट, कि आप किसी चीज़ को पहले गफलत में लेते हैं, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर बेहसी का एलिमेंट आता है. Exactly. और फिर वो बेहसी जो है मुजरिमाना बेहसी के अंदर चेंज हो जाती है. कई सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आप लोगों ने भी मुशाहदा किया होगा. एक चीज होती है सर, उसको एक्सेप्ट, उसकी एक्सेप्टेंस भी. जब ये डेविएंट बिहेवियर हम किसी में ऑब्जर्व करते हैं तो शुरू शुरू में एक दो दफा में ऑकवर्ड लगेगा, तीसरी बार कोई करेगा तो इंस्टेड कि हम उसके अगेंस्ट कोई आवाज रेज करें या उस इंसान को बताएं ये गलत है, या फिर वो जो कम्युनिटी या कलेक्टिवली लोग जो करें वो उनको बताएं गलत है, वी एक्सेप्ट इट एंड हम लोग चुप होकर बैठ जाते हैं उसके अंदर. तो हम एक्सेप्टेंस जो आती है ना उस चीज़ की, वो आई थिंक वो ज़्यादा खतरनाक है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. उसकी वजह यह है कि एज अ नेशन हमारा एक टिपिकल सानुकी एटीट्यूड है कि जी वाई शुड आई बी बॉदर्ड. अगर किसी ने समझाना है तो कोई और समझाए या कोई और आगे बढ़े. इसीलिए आप ये देखते हैं कि जब मैं इसको मुजरमाना कहता हूँ या खतरनाक कहता हूँ, तो इसका यह एलिमेंट होता है कि बाज़ औक़ात आपके एक्शंस जो हैं वो सामने वाले की जान भी ले सकते हैं. अगर आप देखें, एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ जो कि आपने कई दफ़ा ऑब्जर्व किया होगा. एक हमारा जो है रोड चलती है केपीटी इंटरचेंज से जाके बलोच कॉलोनी के पुल तक, ठीक है, और दो रोड्स हैं जो पैरेलल एक दूसरे के साथ साथ चलती हैं साइड बाय साइड. अक्सर औकात जो आपको बलोच कॉलोनी के पुल की तरफ जाती हुई रोड है, उस पर आपको मोटरसाइकिल वाले और गाड़ी वाले जो है वो आपको गाड़ी चलाते हुए दिखाई देंगे फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन. नाउ इट्स अ कॉरिडोर, इसमें कहीं लेफ्ट राइट जो है आपके मुड़ने की जगह नहीं है, इसलिए आपके पास स्पेस वैसे ही तंग है. अगर आप ऑपोजिट साइड से आ रहे हैं और किसी आपने नहीं देखा, फुल स्पीड से बगैर इंडिकेटर्स ऑन किए, फैमिली बिठाई हुई होती है, बच्चे बिठाई हुए होते हैं, मोटरसाइकिल पे होते हैं, गाड़ी पे होते हैं, ये चीजें जब वो कर रहे होते हैं, तो जो अपनी जगह से सही आ रहा है वो तो एंटिसिपेट नहीं कर रहा है कि ये चीज हो रही है. रिजल्टिंग क्या होता है कि मेनी ऑफ द टाइम्स आपको एक्सीडेंट्स दिखाई देते हैं. जब एक्सीडेंट्स दिखाई देते हैं तो इस बात का ऊपर झगड़े का इनसार नहीं होता कि किसकी गलती थी, इस बात पे झगड़ा हो रहा होता है कि जनाब ये गाड़ी वाले ने मोटरसाइकिल वाले को मार दिया और ये चीज जो है ये गलत है. इसका मतलब है कि आप जो है बहुत सारी चीजों को, एलिमेंट्स को आप इग्नोर कर रहे हैं. देखिए, गाड़ी वाला गलती पे हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, मगर मोटरसाइकिल वाला भी गलती पे हो सकता है. आपको ये देखना चाहिए. अरे मैं तो कहती हूँ बहुत ज्यादा गलती, तो जिस तरह हमारे यहाँ मोटरसाइकिल चलाई जाती है इतनी जगह पे, यूं 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 करके गाड़ी अगर 70 की स्पीड में आ रही है, अचानक उसके अराउंड में यूं बाइक यूं करके निकल जाए. अब बताएं गाड़ी वाले की स्पीड पे एकदम कंट्रोल नहीं रहा, उसने एकदम ब्रेक नहीं लगा सका, तो मोटरसाइकिल वाला तो क्या, गलती किसकी थी? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है. और बहुत सारी जगहों पर मैंने तो ये भी देखा कि उसमें पुलिस भी शामिल है, कि बहुत सारे पुलिस के अफराद को मैंने जो है फुटपाथ पर मोटरसाइकिल चलाते हुए देखा. यानी वो लोगों को बता रहे हैं कि ये भी एक ऐसी जगह है जिस पे मोटरसाइकिल चलाई जा सकती है. दिस इज सो डिसगस्टिंग एंड इंटरेस्टिंग. सर, आपके इस एग्जांपल में मुझे एक दफा याद आया कि मैं एक दफा गल्फ के सामने फेरी थी, वो बंदा बीच पर फुटपाथ बनी है लोगों के चलने के लिए, उसके ऊपर मोटर बाइक चला रहा है, हरे को पीप 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 पीप. मैंने कहा तुम्हारा घर है जैसे मोटरसाइकिल चला के, उसको मैंने दो बातें बोली, उतरो यहाँ से, और मैंने उसको उतारा वहां पे रोड पे सबके सामने. हो सकता है वो सर्कस में काम करता, मौत के गोले में. बाकी लोग तो सर्कस में काम नहीं करते ना, फुटपाथ पे चल रहे हैं, उनको आदत नहीं है. सम पीपल आर लाइक दे आर टू एडवेंचरस, और उसमें हमेशा से एडवेंचरिज्म में आपको ये देख लेना चाहिए कि एज ए टोटैलिटी आप जो कुछ करने जा रहे हैं उसका फायदा है नुकसान है. इसी तरह से मैं बड़ी गाड़ियों वालों को देखता हूँ जो पिजारोज इस टाइप की चीज़ें चला रहे होते हैं. एक तो बदकिस्मती से इनको नंबर प्लेट लगाने का कोई शौक नहीं है. किसी ने लिखा हुआ होता है प्राइम मिनिस्टर, किसी ने लिखा होता है मिनिस्टर, किसी ने एक अजीब गरीब जो है वो जिप कोड टाइप की एक नंबर प्लेट लगाई हुई होती है, जिसमें बहुत ही छोटा सा, जिसको शायद वो खुद पढ़ सकते हैं, वो नंबर भी लिखा होता है गाड़ी का. हाँ, बार कोड आ रहा होता है, प्लस उसके शीशे काले होते हैं, उसके पीछे जो है ना कुछ लोग जो है ना खौफनाक सी शक्ल बना के एक और गाड़ी के अंदर बैठे हुए होते हैं, और खास तौर पर ये जो गाड़ियाँ
होती हैं, ये जो जिस वक्त आपके इफ्तार के जिस वक्त होता है ये इंतहा से ज्यादा तेज और बेकाबू चल रही होती है। कि काश के उनके शीशे काले ना होते तो हम ड्राइवर की भी शक्ल देखते कि उसका क्या हाल है। उसकी शक्ल भी वैसी है जैसे पीछे बनी हुई है। हाँ, बिल्कुल बनी हुई है। समटाइम्स आई यूज्ड टू वंडर दैट कि ये क्या कर रहे हैं और ये क्यों इस तरह से, अगर इनको इतना ही रोजा लग रहा था तो भाई दोपहर से ही जाके लेट जाते, तुम दस्तरखान के सामने खजूर को देखते रहते और जब वक्त आता तो जल्दी से उठा के मुंह में रख लेते। तो लाइक समटाइम्स आई वंडर कि व्हाई दे लाइक दैट। देखिए, रोजा जो है वो आपको पेशेंस सिखाता है। अगर पेशेंस ही नहीं है तो बाकी में आप उस वक्त खजूर खाएं या 10 मिनट बाद खजूर खाएं या 4 घंटे बाद, एक ही बात हो गई। पेशेंस नहीं है ना, तो रोजे का एसेंस नहीं है उसमें। सबसे बड़ी बात यही है कि रोजे की जो सोल है उसका ही लोगों को ख्याल नहीं। रोजे के अंदर बहुत सारे लोग बहुत गलत काम कर रहे होते हैं और नतीजा ये होता है कि फिर रोजे का जो मेन जो उसका एसेंस है, उसकी जो रूह है, वो ख़त्म हो जाती है। इस मौके पे यानी आई डोंट वांट टू साउंड वेरी रिलीजियस क्योंकि हम बहुत ही लाइट टोन में बात कर रहे हैं, बट इस सिलसिले में मुझे एक वाकया याद आ गया कि एक ज़माने में एक वाकया पड़ा कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी जगह से तशरीफ़ ले जा रहे थे तो आपने खातून को देखा कि वो गालियाँ दे रही थी और रमज़ान का वक्त था और आपको यकीन था कि इसका रोज़ा होगा, तो आपने उसके सामने खाना रख दिया। तो उस औरत ने कहा कि या रसूलल्लाह, मेरा तो रोज़ा है। तो आपने उसको ये कहा कि अगर तुम्हारा रोज़ा है और तुम्हें इतना उसका ख्याल है कि तुम खाने को मना करती हो तो फिर अपना जो भी कह कर रही हो वो भी नामुनासिब है। तो ये जो चीज़ है ये शो करती है कि रोज़ा एक इस्तक़ामत और तहम्मुल का नाम है और इसमें तो आपका आम दिनों से ज़्यादा बेहतर एटीट्यूड होना चाहिए, ना कि आपकी आँखें नहीं खुल रही होती। मैं आपको एक बिज़नेस का वाक़या बता दूँ। एक कंपनी में काम कर रहा था मैं, जब तो उस वक्त मैनेजिंग डायरेक्टर को लेके मैं जनाब जो है क्वेटा में गया। अच्छा, क्वेटा के अंदर प्रॉब्लम ये होता है कि चूंकि ड्राइनेस बहुत है तो आपके जैसे ही आपका सहर ख़त्म होता है उसके 2-3 घंटे के बाद आपके हलक में लिटरली कांटे लग रहे होते हैं। कांटे लगते हैं, ओके। तो अब वो ये हुआ कि जनाब जो है वो मार्केट विजिट के लिए थे और वेरी सीनियर पर्सन अबाउट 70-75 ईयर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर थे और वो जनाब एक दुकान पर पहुँचे तो वो दुकानदार जो था चादर ओढ़े हुए लेटा हुआ था। तो उससे पूछा कि खान साहब, तो उसने जो है क्या किया कि चादर में से एक पैर निकला और उस पैर ने यूं यूं कर दिया। वी वर ऑल वेरी एम्बेरस्ड कि यार मैनेजिंग डायरेक्टर खड़ा हुआ है, आपका जो है ना जोनल सेल्स मैनेजर खड़ा हुआ है और 2-4 लोग खड़े हुए हैं, अब वो उसने पैर कर दिया। अब उससे कहा खान साहब कि भाई वो चादर उतार के देखे तो कि कौन सामने खड़ा हुआ। उसने चादर नहीं उतारी, दूसरे तरफ से हाथ निकला और यूं बाजू। This is what it is. कि आप देखते भी नहीं है कि भाई क्या हो रहा है, कौन सामने खड़ा हो सकता है, कोई एक बेचारा मौजूद आदमी किस्मत का मारा आपके सामने आके खड़ा हो जाए। हम इन चीजों की फिक्र ही नहीं करते रमजान के अंदर के हम पड़े हुए तो पड़े हुए, सो रहे तो सो रहे। अच्छा, हमारे पास एक कॉल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहे हैं? गुड हेल्दी मॉर्निंग टू यू, फिदा बोल रहा हूं अहमदाबाद से। जी फिदा साहब, कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक। बड़ा अच्छा मौजू है, लेकिन ये मसला ये है कि आजकल इस बरकत वाले महीने में मजहबी हवाले से तो हमारा फेथ है, यकीन है कि हमें इसका स्वाब मिलेगा और जो भी इनामात अल्लाह पाक देगा, लेकिन फिजिकली जो हम देखते हैं मार्केट में लोगों का बिहेवियर, उसमें अगर 1000 एग्जाम्पल दें तो मुझे कहीं भी बरकत वाली बात नजर नहीं आती, उसके अपोजिट ही नजर आता है। मकसद है कि कोई भी फिजिकल एग्जांपल लें, स्पेशली हमारे मुल्क में मिडिल ईस्ट को या वेस्ट को, तो मैं उसका एग्जांपल कह रही हूँ। बातें सारी हमें बुकिश लगने लगी हैं, सिर्फ बुक की बात लगने लगी है, रियलिटी में देखने में कुछ नजर नहीं आता। हाँ, एक और सेकंड मसला ये जो ट्रैफिक के हवाले से भी कहा है, बिल्कुल ठीक कहा है, वो लाइन लगी हुई है और पीछे से हॉर्न दे रहे हैं, उनको पता है आगे लंबी लाइन है, वो पीछे भाई क्यों हॉर्न दे रहे हैं। एंड सेम इज द केस के अगर कोई रेल की जो पटली है वो ब्लॉक है या कोई रोड ब्लॉक है तो एक लाइन है और साथ एक और लाइन लग गई और साथ तीसरी लाइन भी साथ लग गई है। जब पैरल तीन लाइन होंगी एक साइड से और ऑन द आइदर साइड अपोजिट साइड पे भी सेम सूरत हाल होगी तो वो कोई 6-8 घंटे तक रोड स्टक होगा, फिर फोन आएगा फ्रॉम शहर से कि कोई ट्रैफिक पुलिस आए, वो फिर आके निकालते हैं और इतना बुरा हाल होता है। कभी कभी तो वो भी आके ही हो जाते हैं, हम निकाले कैसे? फिदा भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और आपके एरिया मैंने विजिट किया हुआ है, एबटाबाद बड़ी खूबसूरत जगह है और वहाँ पे ये इशू डेफिनेटली होगा क्योंकि अब वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, पहले तो एक जमाने में पॉपुलेशन नहीं थी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब भी सामने से आने वाले ट्रैफिक का रास्ता रुक जाएगा तो ट्रैफिक जैम होगा, डेफिनेटली होगा ट्रैफिक जैम।
आई एग्री विद दैट, बिल्कुल ठीक ठाक है। बल्कि मैं जब असनबदाल से हम आए अब्दुबाद वाली साइड पे तो मसला होता है, आगे आनवर शायद इतना ना हो, लेकिन मेरा जो सवाल है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो ये है कि ये इतने अन ईवन जो मसाइल हम लाइफ में देखते हैं, ये सोशल ईवल्स कह लें इसको, या ये इतने मामलात जो होते हैं उसके अगेंस्ट हम जब रिएक्ट करते हैं तो वो हमारी मजबूरी होती है कि हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर एक्टिवेट होते हैं, मजबूरी होती है। हम उसको किस तरीके से काबू पाए, क्यों हम वी आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमें वो ईगर का मसला चलना सही, वो गुस्सा तो आता है कि ये बंदा जो है वो अन ईवन लाइन पे जा रहा है और अनएथिकल बिहेवियर है उसका, हरन मार रहा है या गालियां दे रहा है, मैं रोजे में हूँ मेरे साथ बात ना करना, यार तू रोजे में है तो इट इज कंसर्न ऑफ यू विद अल्लाह, उसमें किसी और का अनएथिकल बिहेवियर आपके, तो उसमें हमें कैसे काबू पाया जाए, या कोई हम रात को लेक्सोटेनल या कोई ऐसा एंग्जोलेटिक खा के सो जाए क्या, या फुल डे एंग्जोलेटिक का असर रहता कि हम कीप काम कूल हों, या फिर बात वही है कि इग्नोरेंस इज द ब्लेसिंग ऑफ गॉड, या बंदा इतना एजुकेटेड, या तो बंदा इतना एजुकेटेड ना हो कि इतनी जो हार्मनी है उसकी डिफरेंशिएशन पे ना आ सके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बंदा बंदे के अंदर अगर नहीं, हमें आपका पॉइंट डेफिनेटली समझ में आ गया फिदा साहब, हम इस पे बात करते हैं। ठीक है जी, एक सेंटेंस जो मैं हमेशा बोलती हूँ और वो ये होता है कि आपने रोजा रख के एहसान नहीं किया किसी और के ऊपर, आपने जो किया अपने साथ किया है, आपके और खुदा के बीच में है, तो प्लीज इस चीज को एक्सक्यूज बनाना, इस चीज पे सेल्फ पिटी करना, इस चीज को हर 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 उस पर सामने रख देना कि मैंने रोजा रखा है, सो व्हाट, आपने रोजा रखा है, दैट्स बिटवीन यू एंड गॉड, आपको अपना काम तो करना है, यू पेड फॉर दिस जॉब, आपको ये काम करना है और करना है, दिस इज अ पार्ट ऑफ योर जॉब, और इस पर आप ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि आज मैं नहीं कर सकता, आज मुझे रोजा लग रहा है, आपको ऐसे एक्सक्यूज नजर आते होंगे। दूसरा ये गुस्सा, अब वो सही कह रहे हैं कि अगर सामने वाला इतना इलॉजिकल हो जाता है तो डेफिनेटली एक पॉइंट आता है, यू गो लाइक मैं क्या करूं, मुझे फ्रस्ट्रेशन हो रही है, मैं भी गुस्सा निकालूंगा। इसका बड़ा सिंपल सा सलूशन है, इसका सिंपल सलूशन ये है कि अगर लोग तहमुल और बुर्दबारी से चले, ठीक है, सामने वाला गलत भी कर रहा है और अगर उसने आके एक अपनी लाइन लगा दी है एक, तो आप उसको जगह दे दें, थोड़ी देर में वो लाइन क्लियर हो जाएगी, ठीक है, और आप जो है आप भी निकल जाएंगे, ठीक है, या जिस वक्त वो लाइन निकल रही होगी उस वक्त आपको एक्सेस मिल जाएगी, आप निकल जाएंगे। बात होती है तहमल और बुर्दबारी की, हो ये रहा होता है कि जब वो आके एक तीसरी लाइन लगाता है तो आप फ्रस्ट्रेट होते हैं, आपको गुस्सा होता है, आप कहते हैं इसको भी नहीं निकलने देना और खुद भी नहीं निकलने देना, नतीजतन दोनों फंसे रहते हैं, ठीक है, इसके आपको सबसे ज्यादा गाड़ियों से नीचे उतर के, बस गाड़ियों से नीचे उतर के या गाड़ियों में ही बैठे बैठे जो है आपको अक्सर औकात आपको बाकायदा बड़े बड़े झगड़े दिखाई देते हैं। अगेन मैं इसके अंदर क्वेटा का रेफर करूंगा कि क्वेटा के अंदर ये बहुत होता है कि अगर एक गली के अंदर एक गाड़ी आ गई और एक दूसरी गाड़ी आ गई, अब दोनों खड़े हैं एक दूसरे के सामने, पीछे हटना जो है वो बेइज्जती और जिल्लत की निशानी है, अब उसके ऊपर हाँ, अब वो ईगो रहेगी, थोड़ी देर के बाद गन्स निकल आएंगे और फायरिंग शुरू हो जाएगी और जो है ना वो ब्लडशेड हो जाएगा। नहीं, दिस इज वेरी वेरी कॉमन। अगर आप देखें तो हो ये रहा होता है कि जब जिन जगहों में भी टॉलरेंस लेवल कम होता है, जिन लोगों में भी टॉलरेंस लेवल कम होता है, वहाँ ये चीज़ें हो रही होती हैं। आप क्वेटा के अंदर जो है ये ऐसी जगहों पे जहाँ हार्श है, मैं बार बार क्वेटा का लफ्ज़ इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि क्वेटा को मैंने बहुत ऑब्जर्व किया, रमज़ान में बहुत कत्ल हो रहे होते हैं, ज़रा ज़रा सी बात पे हो रहे होते हैं, क्योंकि एक तो ड्राइनेस बहुत होती है प्लस एट द सेम टाइम टॉलरेंस लेवल बहुत कम है, कोई जो है आपके अंदर जो है ना तहमुल नहीं है, कोई आपके अंदर बुर्दबारी नहीं है, ठीक है, एक आदमी ने आके गलत लगा दिया, ठीक है, दो आदमी, आप उसको कह दो यार ये क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं करो यार, मैं तुम्हें जगह दे देता हूँ मगर मुझे भी निकलने देना, इट्स सिंपल तहमुल वाली बात है। बट हर आदमी को चूंकि जल्दी होती है और सबसे बड़ा इसका रीजन ये, देखिए ये जो सारी बदतमीजी हो रही होती है उसकी वजह ये होती है कि लोग जो है वो वक्त पे नहीं निकलते, आखिरी 5 मिनट के अंदर या आखिरी जिसे कहते हैं दिन हम कोई जो है ना एक्टिव होते हैं, रिजल्टिंग हर चीज में क्यों लग जाते हैं, आपको किसी ने इफ्तारी पे बुलाया आप थोड़े पहले चले जाइए, आपने बिल जमा कराना है आप आखिरी तारीख का इंतजार ना कीजिए, अगर आप ये सारी चीजें आखिरी दिन के लिए रखेंगे, आखिरी वक्त के लिए रखेंगे तो ऑटोमेटिकली प्रेशर बढ़ेगा। सही है, अगर आप खुद थोड़े अपनी लाइफ में मुनज्जम होंगे तो सब चीजें ऑलरेडी सही होती रहेंगी, और डेफिनेटली जब हम खुद थोड़े से लाइट मूड में होते हैं तो दूसरे का गुस्सा भी हमें इतना नहीं लगता, अगर हम खुद इतने गुस्से और अग्रेसिव होते हैं दूसरे का गुस्सा भी बहुत बढ़ के लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके आने का, बहुत बहुत शुक्रिया आने का, लेकिन हम इस पर बात करते रहेंगे, व्यूज आप कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक।